हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इसकी ट्रेनिंग का पार्ट 4 भी अपलोड हो चुका है। तो जिस तरीके से दोस्तों पार्ट 4 में हमने बताया कि इसको ग्राउंड में लेकर के आना है, इसको खुले माहौल में लेकर के आना है, इसको खेतों में लेकर के जाना है, हर जगह इसको दिखाना है कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है और इसको किस तरीके से वहाँ पर टेम करना है और किस तरीके से वहाँ पर कॉलिंग पे बुलाना है और फीड करवानी है, सारा ही कुछ अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं तो पार्ट 4 में जाइएगा। और किस तरीके का बच्चा लिया है, कैसे लिया है, ये जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 में जाइएगा। किस तरीके से अपने पीछे पीछे आना स्टार्ट करता है, ये जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 और 3 में जाइएगा। तो आज की दोस्तों जो ट्रेनिंग है वो पार्ट 5 लेकर के आए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इसकी ट्रेनिंग में पार्ट 5 का बहुत अहम रोल है दोस्तों, जो हमने पहली वीडियो में बताया हुआ था। लेकिन आज दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो इस वीडियो को पूरा ही देखना है। और पार्ट 5 में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसको बाइक के साथ किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है। जिस तरीके से दोस्तों बाइक के साथ हम अपने कबूतरों को उड़ाते हैं, सुल्तान को उड़ाते थे, ब्लैकी को उड़ाते थे और सारे कबूतरों को हमने ट्रेंड किया हुआ था, सभी को उड़ाते थे, उसी तरीके से दोस्तों आज हम इसकी भी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 5 लेकर के आए हैं। अगर दोस्तों आने वाले टाइम में आप लोग भी एक पट्टे को ट्रेंड करना चाहते हो या अभी दोस्तों अपने मेरे पट्टे के साथ साथ आप लोग भी अपने पट्टे को ट्रेंड कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो पूरी देखेगा, आप लोगों के लिए ही लिए दोस्तों ये वीडियो बनाता हूं। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है वो बताएंगे। आज की ट्रेनिंग का जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों, वो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले दिन पट्टे को दोस्तों इस तरीके से लाना है कि आराम से उसको लाना है, सीधा कंधे पे बिठाना है। जिस तरीके से हमने पार्ट 4 में बताया था कि आपको भागना है, उसके पीछे पीछे अपना आपका पट्टा भी भागेगा, उसी तरीके से दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ कि बाइक के ऊपर बैठ जाना है आपको और कंधे पर पट्टे को लेना है और बहुत ही आहिस्ते से, बहुत ही पहले बैठा लीजिएगा उसको और कंफर्ट उसको एकदम रिलैक्स हो जाने दीजिए, जिससे 2-3 मिनट आराम से वेट करते हैं इसका, जब ये खूब रिलैक्स हो जाए उसके बाद दोस्तों बिल्कुल धीमी धीमी गति से आपको गाड़ी चलानी है। डे 1 है दोस्तों, पहला दिन ही जब आप इसको बाइक के साथ लेकर के आओगे तो कंधे पे इतने हिसाब से रखना, क्योंकि जानबूझ के छोड़ो दोस्तों, गलती से भी ये पट्टा आपका जमीन में ना गिरे, इस तरीके से बहुत ही स्लो गाड़ी चलानी है और बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते से चलाना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, तो चलिएगा अभी लेकर चलते हैं इसको। इस तरीके से बहुत ही स्लो गाड़ी बढ़ानी है, ये देखिएगा आहिस्ते आहिस्ते से, जिस तरीके से आपका पट्टा बिल्कुल ही दोस्तों गिरना नहीं चाहिए, ये देखिएगा हल्की हल्की दोस्तों इस तरीके से गाड़ी बढ़ानी है आप, ये देखिएगा। और अभी दोस्तों इस तरीके से बिठाने के बाद स्लो जिस तरीके से मैंने अभी चला के दिखाई आप लोगों को, इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक चक्कर लगवाना है। तो देखिएगा अभी मैं एक चक्कर लगा के आता हूँ, देखिएगा इस तरीके से आपको जाना है और एक चक्कर लगा के आना। तो देखिएगा दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस तरीके से आपको चलना है और बहुत ही स्लो। अगर आपका पट्टा कुछ गड़बड़ करे तो इस तरीके से आपको हाथ लगा देना है और इसी तरीके से मतलब चलते रहना है, ये देखिएगा बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। और इसी तरीके से चलते। और कभी दोस्तों आपके पट्टे को अभी उड़ाना नहीं है, अभी उसको कुछ भी नहीं करना है, स्लो बस इसी तरीके से चलते रहना है। और ये देखिएगा हल्की सी स्पीड बढ़ा लें बस आपके पट्टे के हिसाब से, अगर आपका पट्टा लगता है कि बहुत ही अच्छे से बैठा है तो आप हल्की सी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक चलाना है लगभग दोस्तों आपका, अगर ग्राउंड बड़ा है उसी हिसाब से, या रोड पे करना चाहते हैं या ग्राउंड में। तो दोस्तों मैं तो क्या करता हूँ अभी देखिएगा, इस तरीके से रोड पे इसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे रोड पे उड़ाने का बहुत अच्छा लगता है। ग्राउंड में क्या है दोस्तों, ग्राउंड में तो सभी लोग उड़ा सकते हैं और अभी रोड पे उड़ाने में मजा आता है, तो इसी तरीके से मैं देखिएगा कंटिन्यू कर रहा हूँ रोड पे। तो देखिएगा दोस्तों आज की जो वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा इतना मकसद था, क्योंकि दोस्तों आपको पट्टों को पहले दिन जो लाना है उसको उड़ाना नहीं बिल्कुल, और ना ही उसके साथ कोई छेड़खानी करनी है, सिर्फ उसको इस तरीके से अपने कंधे पर बिठाना है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको ऐसे ऐसे बाइक चलानी है, ना ही दोस्तों कोई छेड़खानी करनी है, और जब एक चक्कर पूरा लग जाए तब दोस्तों उसको इस तरीके से दाना वाना खिला देना, क्योंकि दोस्तों उसको ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ मुझे यहाँ पर बैठने के बाद कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, मुझे आराम से अपने आप दाना मिल जाएगा। ऐसे करते करते दोस्तों लगभग आपको 5 से 6 दिनों तक ये करना है। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन इस तरीके से किया तो मुझे लगा अरे वो ये तो बैठा रहेगा, अब क्या करेंगे आप दोस्तों, उसको हल्के से इस तरीके से उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ नई हरकत कर देते हैं, क्योंकि एक आदत उसमें जनरेट नहीं हो पाती है, उससे पहले के दूसरी आदतें डालना स्टार्ट कर देते हैं तो अपना पट्टा बिल्कुल ही दोस्तों बिगड़ जाता है। तो इसी तरीके से आपको लगभग दोस्तों आप लोगों को 4 से 5 दिन इस तरीके से करना है कि उसको कंटिन्यू बिठाना है, स्लो जाना है, फिर बिठाना है, स्लो जाना है, उसके बाद दाना पानी कराना है, आराम से लॉफ्ट में बंद कर देना है, जो भी आपका पिंजड़ा या पेटी वगैरह हो तो उसी में दोस्तों बंद कर देना है। तो आज की दोस्तों ये इतनी सी छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि ज्यादा बड़ी भारी वीडियो बनाने से कोई फायदा है नहीं, मैं जितनी नॉलेज देना चाहता हूँ दोस्तों, जितनी ही नॉलेज देने के लायक होती उतनी ही बातें बताता हूँ आपको, फालतू की कोई बात नहीं करता। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कबूतर या पेट्स या और भी किसी बर्ड से आप लोग प्यार करते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।